हरे कृष्ण योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामना देना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हैप्पी इंटरनेशनल योग डे। 21 जून को मनाया जाता है। हमेशा की तरह आज 5वां साल है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को लंबा जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, तभी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तभी तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा, एक स्वस्थ धर्म का निर्माण होगा। एक रोगी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मेल। योग का मतलब है यूनिटी, यूनियन, एकता। योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है। योग आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। योग कोई शास्त्र नहीं है। योग का इस्लाम, हिंदू, जैन या ईसाई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, चाहे पतंजलि, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, कोई भी व्यक्ति जो सत्य को उपलब्ध हुआ है, बिना योग के गुजरे उपलब्ध नहीं होता। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। योग सूत्र में उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग 8 अंग वाले योग को 8 अलग अलग चरणों वाली मार्ग नहीं समझना चाहिए। यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। योग के ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग की सुंदरताओं में से एक खूबी यह भी है कि बूढ़े या युवा, स्वस्थ, फिट यानी या कमज़ोर, सभी के लिए योग का शारीरिक अभ्यास लाभप्रद है। सभी को यह फायदा करता है और यह सभी को उन्नति की ओर ले जाता है। योग के कई चरण हैं। योग के अंदर श्वासों के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल करने का नाम है प्राणायाम। उसके बाद आसन, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हों, और मेडिटेशन, ध्यान। और 8 लिम्ब्स को, अष्टांग योग को साथ में रख के ही यह पूरा होता है। तो दोस्तों, सिर्फ योग को आप शारीरिक एक्सरसाइज ना समझें, शारीरिक व्यायाम ना समझें, यह एक बहुत ही बढ़िया है। इस शारीरिक व्यायाम से कुछ अलग है और कई हद तक ऊपर चीज़ है। आप इसकी अवलेखना ना करें और इससे जुड़ें। इससे आप जुड़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। आप एक दिव्य पर्सनालिटी बन जाएंगे। आप योग से जुड़ें और योग के चमत्कार देखें। योग के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। मेरा बचपन योग से ही शुरू हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी एक सच्चे योगी थे, जिन्होंने हमें ज्ञान, भक्ति और कर्म और योग मार्ग सारी ट्रेनिंग दी थी। पिछले 10 सालों से मेरा खुद का सेंटर है और इस सेंटर में कई लोगों की काफ़ी बीमारियां सिर्फ योग से ठीक हुई है। इस शुभ दिन पर मैं आपसे एक विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब योग से जुड़ें, जो साइंटिफिक है और आपको सारी बीमारियों से, सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा। आप हमेशा स्वस्थ हो जाओगे और मस्त हो जाओगे। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पतंजलि के 8 सूत्र डिटेल में डिस्कस करूँगी। मेरे साथ बने रहिए आप।
हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से रहिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, पसंद आता है तो पसंद भी करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।